खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्चुअल रैली को लेकर के क्या तैयारियां हैं आज? देखिए 11 जिलों की ये वर्चुअल रैली 14 तारीख को 11 बजे पंचकुला से हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें 11 जिलों से लाखों की संख्या में, चाहे वो फेसबुक है या लिंक के माध्यम से लोगों तक वो लिंक भेज कर और वर्चुअल रैली के माध्यम से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक गौरवशाली एक वर्ष में जो ऐतिहासिक फैसले किए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, उनको जनता के बीच में बताने के लिए, जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, हमारे भारत सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर वो आएंगे, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराड़ा जी, वो इस रैली के अंदर, वर्चुअल रैली के अंदर लाखों की संख्या में जो हर बूथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन के बीच में उनको भी जोड़ करके साल सरकार की एक साल की उपलब्धियों के बारे में वो बताएंगे, ताकि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल पूर्ण किया और उस एक साल में ऐतिहासिक निर्णय, जो देश की बड़े लंबे समय से समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, परंतु इस एक वर्ष के अंदर जितनी भी देश के अंदर गंभीर समस्याएं थी, लंबे समय से लंबित पड़ी थी, कोई सरकार आती थी उनका हाथ तक नहीं लगाती थी और विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है, इस प्रकार का रूमर, इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर फैला करके रखती थी कि अगर इन मुद्दों को छेड़ा गया तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा, परंतु एक एक करके एक एक कार्य को इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने, जिसके ऊपर विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने का काम करता था, कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दल अपनी राजनीति चमकाने का काम करती थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में उनकी दुकानों के ऊपर, वो राजनीतिक दुकान के ऊपर ताला लगाने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया, तो ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे उसमें धारा 370 है, चाहे उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, चाहे उसमें जो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे उसमें ब्रू रियांग समझौता है, चाहे उसमें बोडो समझौता है, ऐसी देश की समस्याएं जिनसे लोग जूझ रहे थे, देश के लोग चाहते थे कि इन समस्याओं का समाधान हो, देश के अंदर भाईचारापन पे देश एकजुट हो, परंतु विपक्षी दल उन समस्याओं की तरफ देखता भी नहीं था और उनके माध्यम से वो लगातार अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उन सब समस्याओं का एक एक का समाधान किया, जिसका देश को इसकी विकास की गति में, देश की एकता में, देश की मजबूती में इसका बड़ा लाभ देश को मिलेगा और वो सारी का सारी समस्याएं भी
वो समाप्त की। सर रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है? नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा है कि ये वर्चुअल रैली है और इसके माध्यम से ये हमारी 11 जिलों की रैली है। 14 तारीख को पंचकुला के अंदर हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला जी इस रैली को संबोधित करेंगे। और ये रैली एक अलग प्रकार की रैली है। इस रैली के अंदर जैसा मैंने कहा भी है, वर्चुअल रैली के अंदर हम लोगों को लिंक भेज करके और जो एंड्रॉयड फोन उसके माध्यम से जो हमारे इन 11 जिलों के अंदर कार्यकर्ता हैं, हमारे BLA 2s हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और उससे अलग भी जो हमारे आम जन है, आम जनता है, ऐसे सब लोगों को इस वर्चुअल के माध्यम से, इस जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इसके माध्यम से लोगों को जोड़ करके एक साल की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने का काम वो हमारे नेता वो बताने का काम करेंगे। और उससे आगे भी हम वहां से गाइडेंस लेकर के, गाइडलाइन लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक पंपलेट छपा है उस पंपलेट को लेकर के एक एक घर तक पहुंचाने का काम कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता ने दिया था, जो वोट जनता ने दिया था, उस वोट का नरेंद्र मोदी जी ने सदुपयोग करते हुए देश को मजबूती के रास्ते के ऊपर ले जाने का काम वो इस एक साल के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लेकर के किया है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो पिछले 6 साल का नरेंद्र मोदी जी का 2014 से लेकर के ये 2020 6 साल के इस कार्यकाल के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए और उन निर्णयों से जो देश का ढांचा मजबूत हुआ, देश मजबूती से पटरी के ऊपर आगे बढ़ा है, चाहे वो किसान, चाहे वो गांव का रहने वाला, चाहे वो शहर के अंदर रहने वाला, चाहे वो कर्मचारी, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, ऐसे सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को नीचे घर तक पहुंचाने का काम इन पिछले 6 सालों में इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने वो किया है। आज मैं ये कहना चाहूँ, क्योंकि कांग्रेस का जो एक नारा होता था, कांग्रेस जब चुनाव आता था तो गरीबी हटाओ का नारा देती थी, वो गरीबी हटाओ नहीं, वो गरीबी बढ़ाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने लगातार 55 वर्ष तक इस देश के अंदर दे करके लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का काम किया, परंतु उनकी गरीबी नहीं हटाई। और नरेंद्र मोदी जी ने इन 6 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी, गरीब को मजबूत करने का काम किया, उसके अंदर चाहे देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको फ्री में इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 8.5 करोड़ लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस का सिलेंडर देने का काम किया, इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट में जो इस भारत के ऊपर विपत्ति आई है, इस विपत्ति के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने तक उन लोगों को फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम उनके घर के ऊपर नरेंद्र मोदी ने किया है, उसकी सरकार ने किया है। और उससे आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 34 करोड़ लोगों को जिनको जनधन खाते से जोड़ करके, बैंकों से जोड़ करके उनके खाते में
सीधा सीधा 500 रुपया महीना पहुंचाने का इस वैश्विक महामारी में वो कार्य किए। ये गरीबी हटाओ वो कांग्रेस का जो नारा था, वो गरीबी बढ़ाओ का नारा था, ये गरीबी हटाओ का नारा है। और इसमें एक साल की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं, जो ऐतिहासिक कार्य रहे हैं, आदरणीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, वो 14 तारीख को 11 बजे वर्चुअल रैली के माध्यम से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जन जन तक वो बात पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों को भी जो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का काम किया है, उनकी फसलों का भी MSP बढ़ा करके उनको मजबूती की तरफ ले जाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आने वाले समय के अंदर हर वर्ग मजबूत और इस कोरोना जैसे संकट से पार पा करके देश जो आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, सरकार की सोच है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब ये देश आत्मनिर्भर बनेगा तो ये विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बनेगा। आज मैं आप लोगों के माध्यम से यही बात मैंने निमंत्रण देना था कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, हरियाणा के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी 14 तारीख को पंचकुले से 11 जिलों के लिए वर्चुअल रैली के माध्यम से वो आमजन को भी, जनता को भी और कार्यकर्ताओं को भी एक साल के ऊपर